जय भोलेनाथ। जटाटवि गलट जलम प्रवाह पावित स्थले गले वलम निलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वट्ट वर्वयम चकार चंड तांडवम तनो पुनः शिव शिवम। जय भोलेनाथ। आज हम एक ऐसी टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो आपको हरियाणा के ग्रुप डी में सिलेक्शन दिलाएंगी। यानी कि आज हम किरण की ये बुक है जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए क्वेश्चन है 2015 से लेकर अब तक जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे टॉपिक वाइज इसमें दे रखे हैं। अगर आप ये बुक परचेज कर सको तो बड़ी अच्छी बात है, आप ले लेना। इसमें जो तरीके दे रखे हैं ना, जो क्वेश्चन को करने की जो अप्रोच है वो ट्रेडिशनल टाइप की है। हम अपने तरीके से अपनी ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपके क्वेश्चन रहेंगे इसमें से। ये देखो, इसमें आपकी रीजनिंग भी है और इसमें मैथमेटिक्स भी है। सारे चैप्टर वाइज हैं, टाइप वाइज हैं। सोल पेपर हरियाणा सीटी 2015 से लेकर अब तक सारे के सारे क्वेश्चन हम इस टेस्ट सीरीज में शुरू करेंगे। आज हमारा पहला दिन है और आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो करेंगे अनुपात एवं समानुपात। ये देखो चैप्टर अनुपात एवं समानुपात और पहला क्वेश्चन यहां से शुरुआत करते हैं। चलिए, कालों के काल महाकाल के नाम से पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। इससे क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे इस तरीके से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, ए रेशियो भी दे रखा है 2:3, 2:3 और बी रेशियो सी दे रखा है 5:7। तो बताना है ए रेशियो सी क्या होगा, ए रेशियो सी बताना है। तो इसको ऐसे गुणा करेंगे, 2 को 5 में तो ये हो जाएगा 10 रेशियो, 5 को 3 में ये हो जाएगा 15 और 3 को 7 में करेंगे तो हो जाएगा 21। कटते हो तो काट देंगे, नहीं तो ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए रेशियो सी निकालना है तो 10:21 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने सोल्व कर देना है। जो दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका एक्स वाई दे रखा है 5:3 इस तरीके से और वाई जेड दे रखा है, वाई के नीचे वाई लिखेंगे 2:5। तो बताना है कि एक्स रेशियो जेड क्या होगा। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, ये रहेगा क्वेश्चन को करने का तरीका इस तरीके से। जिग जैग मोशन में आपको गुणा करना है, 5 × 10, 3 × 6 और 3 × 5 = 15। काटते हो तो काट देंगे और नहीं कटते तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये है आपका एक्स, ये वाई और ये है जेड। तो एक्स और जेड बताना है, सेम है तो 10:15, लेकिन इसको काटेंगे 5 से 5 × 10 और 5 × 15 तो 2:3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन त्रिकों को अगर आप अप्लाई करोगे एग्जाम में तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व होंगे। 782 रुपए दे रखे हैं, 782 रुपए दे रखे हैं और इसको किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, 1/2 / 2/3 और ये 3/4। तो बताना क्या है क्वेश्चन में, पहला भाग क्या होगा, पहला भाग बताना। तो इसका करने का तरीका रहेगा आपका, 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे 12, इसको गुणा करेंगे 12 से सभी को इस तरीके से। 4 × 3 = 12 ये हो जाएगा 9 रेशियो, 3 × 4 = 12 ये हो जाएगा 8 रेशियो, 2 से काटना ये 6 ये हो जाएगा रेशियो। रुपये कितने हैं, 782, हमारे अकॉर्डिंग देखेंगे इनको जोड़ कर देख लेना तो ये हो जाएगा 8 और 9 = 17 और 6 = 23 ये हो जाएगा 23। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है 782, इसको एक यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लेना आ जाएगी 34। तो पहला भाग बताना है तो पहला भाग को भी हम क्या कर देंगे, 34 से गुणा कर देंगे और 204 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 × 4 = 24, 2 × 6 = 18 और 2 = 20। अगर वो दूसरा भाग भी पूछ लेता तो इसको भी आप क्या कर देते, सीधा 34 गुणा कर देते इस तरीके से और यहां पर क्या जाता, आंसर आ जाता। अब देखो चौथा क्वेश्चन, एक्स रेशियो वाई बराबर है 4:3 के दे रखा है। तो बताना क्या है इस क्वेश्चन में, 4x + 5y / 5x - 2y। तो देखो एक्स रेशियो दे रखा है वाई, किसके बराबर है, ये दे रखा है 4:3। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 3। तो बताना है आपको 4x, तो 4x की जगह लिख देंगे 4, तो 4 को 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 + 5y, y की वैल्यू 3 है तो 5 × 3 = 15 और बटे में
फाइव एक्स माइनस टू वाई, फाइव एक्स पांच का 20 माइनस टू वाई ये हो जाएगा 6। एक्स की वैल्यू रखनी है और वाई की वैल्यू रखनी है और ये हो जाएगा 31 और बटे में 20 में से 6 गया 14 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दे रखा है, पांचवा क्वेश्चन देखो, 492 को चार अनुपात आठ के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो संख्याएं बतानी है। देखो इसको 4:8 में बांटना है, यहां से वैल्यू 12 कितना दे रखा है 492, 12 चौक 48, 12 एकम 12, एक यूनिट की वैल्यू 41 है तो 4 को हम क्या करेंगे 41 गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, एक तो भाग हो जाएगा ये और दूसरा हो जाएगा इसको भी 41 से गुणा कर देंगे, 8 एकम 8, 8 चौके 12, एक हो जाएगा 128, सॉरी 12 चौक 48 और 12 एकम 12, 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, 328 हो जाएगा भैया, ठीक है 164 और 328 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। दो संख्याएं 6:9 के अनुपात में हैं, यदि बड़ी संख्या 324 है तो छोटी संख्या बताना है, बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो रेशियो दे रखा है 6:9, बड़ी संख्या है 9, किसके बराबर दे रखी है 324 के, तो बताना है छोटी संख्या क्या होगी। देखो 9 यूनिट की वैल्यू ये है तो इसको कितने देख लेंगे, 9 3 27 और 9 6 54, तो इसको भी हम क्या करेंगे एक यूनिट की वैल्यू है 36, 36 से गुणा कर देंगे तो 216 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा और इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। सातवां क्वेश्चन देखो, 8, 24 और 10 संख्याओं का चौथी समानुपाती संख्या क्या है। देखो एक आपका जो मेन जो क्वेश्चन रहते हैं अनुपात समानुपात से, एक तो होता है मध्य अनुपाती, एक तृतीय अनुपाती, एक चतुर्थानुपाती, ये क्वेश्चन चतुर्थानुपाती से आया है। 8, 24 और 10 तीन संख्याएं हैं, इनको हम ए बी सी इस तरीके से लिखेंगे। चतुर्थानुपाती निकालने का फार्मूला है सीधा, इनको मल्टीप्लाई करना है बी और सी को और ए से डिवाइड करना है, ए की वैल्यू कितनी है 8 और 8 3 24, सीधा आंसर आ जाएगा 30, इस तरीके से आपने निकालना है। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। देखो दो संख्याएं हैं 10:7 के अनुपात में है और उनका अंतर 105 है, अंतर 105 है, 105 डिफरेंस, तो बताना है उनका योग क्या होगा। देखो इनका अंतर कितना है 3, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 105, 3 3 9 3 5 15, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, तो निकालना है इनका योग, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, यहां लिख देता हूं मैं 17, तो 17 को भी आपने क्या कर देना है 35 गुणा कर देना, 1 यूनिट की वैल्यू क्योंकि कितनी है 35 है। गुणा करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखो जैसे 17 को मल्टीप्लाई करना है 35 से तो 30 + 5 ऐसे लिख लिया करो, पहले 17 3 51 510 और 17 5 85, ऐसे आंसर कितना जाएगा 595, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो, आसानी से आप निकाल पाओगे, ये मल्टीप्लाई करने की ट्रिक थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और हम कंप्लीट किरण की बुक को हम ग्रुप डी के एग्जाम तक आपका कंप्लीट कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, दो संख्याएं हैं इस अनुपात में दे रखी हैं, यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एसएससी सीजीएल तक पूछा जाता है। देखो प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाती है तो हम देखेंगे दोनों संख्याओं में वृद्धि कितनी होती है, यहां पर 2 की वृद्धि हो रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 10 की वृद्धि की जाती है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो इसको 5 गुणा कर देना, 5 3 15, पहली संख्या आ जाएगी 15 और दूसरी संख्या 5 से मल्टीप्लाई कर देना 25 दूसरी संख्या, इस तरीके से आपने करना है, ये क्वेश्चन को निकालने की ट्रिक है। जब भी आपसे कहता है प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है, 30 की जाती है, तो यहां आपने देखना है वृद्धि बराबर हो रही है, तो यहां पर 2 की वृद्धि होती है पहले दूसरी वाली संख्या में, यहां पर 2 की वृद्धि होती है तो इसको बराबर लिख देना 10 की, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, अब निकालना है चौथी संख्या ज्ञात करें, दोबारा क्वेश्चन आ गया इसको छोड़ देते हैं। तीसरा समानुपाती संख्या निकालना है 16 और 36, दो संख्याएं हैं 16 और 36, हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकाला था चतुर्थानुपाती, इसमें क्या निकालना है तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये है ए और ये है बी, तो बी को लिखते हैं, फार्मूला आपका क्या कहता है बी इंटू बी अपॉन ए,
बी कितना है 36, तो यहां लिखेंगे 36 गुणा में 36 और बटे में 16 इस तरीके से। तो चार से काटेंगे, चार चौके 16, चार निमा 36, चार से चार निमा 36, नौ निमा 81, तो ये आंसर हो जाएगा। इसका जो तृतीय अनुपाति है वो कितना है 81 है। इस तरीके से आपने सोल्व करना है। एक गांव में स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात 3:5 है, ठीक है, स्त्री कितनी है और ये मैन है, वुमेन और मैन का अनुपात दे रखा है 3:5। ये स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी कम है, 2 कम है, 2 यूनिट, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कम है, 40 कम है। तो बताना है स्त्रियों और पुरुषों की कुल संख्या कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू यहां से निकालेंगे 20, कुल संख्या बतानी है 3:5 कितना हो जाएगा 8, इस 8 को भी क्या कर देंगे 20 गुणा कर देंगे तो 160 आ जाएगी संख्या पुरुषों की, और स्त्रियों की संख्या 160 है। इस तरीके से आपने निकाल देना। एक और बेस्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, ये क्वेश्चन रहेगा आपका पांचवा, टाइप नंबर 3 का पांचवा, मैं कहूंगा ये सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को देखो, 12 और 30 संख्याएं दे रखी, 12 और 30, इसका तो तृतीय अनुपाति, और एक दे रखा है 9 और 25, 9:25 कह सकते हैं इसको, 9:25 इसका मध्य अनुपाति, इनका रेशियो बताना है। मध्य अनुपाति निकालने का फार्मूला है 9 × 25, इसका अंडर रूट कर देंगे, ये हो जाएगा 15, एक तो ये बन गया। इसका निकालना है हमें तृतीय अनुपाति, तृतीय अनुपाति कैसे निकालते हैं, 30 गुणा में 30, ये है ए, ये है बी, और इसको डिवाइड कर देंगे ए से, 3 × 12 यह आ जाएगा 10, 2 × 4 यह आ जाएगा 15, इसको काटेंगे 2 × 5 = 10, 15 × 5 = 75, ये हो जाएगा 75। तो 15 से कटेगा, 15 × 1 = 15, 15 × 5 = 75, 5:1 आपका आंसर हो जाएगा। ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपके क्या है, यहां पर तृतीय अनुपाति और ये आ गया मध्य अनुपाति, इनका रेशियो पूछ लिया, दो फार्मूले इकट्ठे यूज हुए हैं यहाँ पर। छठा क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है, 3 संख्याओं का योग 102 है, 102 है 3 संख्याओं का योग, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, इस तरीके से है। इसमें दे रखा है कि पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, और दूसरी का और तीसरी का जो अनुपात दे रखा है वो है 5:3, तो यहां से हम पहली दूसरी तीसरी का रेशियो निकाल लेंगे, 5 × 10, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, इस तरीके से। तो बताना है क्वेश्चन में कि तो दूसरी संख्या बतानी है क्या होगा, इनका योग देखेंगे पहले कितना है, 10 और 15 = 25 और 9, ये हो जाएगा 34, और दे रखा है योग कितना 102, इस तरीके से। एक यूनिट की वैल्यू यहां से 3 × 12, 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 3 आ जाएगी। तो निकालनी है दूसरी संख्या, इसको गुणा कर देंगे 3 × 15 = 45, ये आंसर हो जाएगा। अगर पूछता पहली संख्या निकालना है, इसको 3 × 3 = 30, 30 आ जाती। पूछता तीसरी संख्या निकालनी है, इसको 3 × 27 = 30, 27 आ जाती। इस तरीके से आपने क्वेश्चनों को सोल्व करना है। आज का जो हमारा पैटर्न है और जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, इसमें क्या है, हम क्वेश्चन ज्यादा कंप्लीट कर पा रहे हैं। आपको क्लास कैसी लग रही है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है। और इस क्वेश्चन, इस किताब को जो है ना, आपका जब एग्जाम होगा ना, इस एग्जाम से पहले पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा सारी किताब को, ठीक है। आप इसको परचेज कर लेना तो ठीक रहेगा, अगर आप परचेज कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको प्रैक्टिस यहाँ से करवा ही रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी जो क्लासेज रहेंगी, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और ये मैं कहूंगा, आप प्रैक्टिस तो वैसे किसी भी किताब से कर सकते हो, लेकिन इसकी खास बात ये है, इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जितने दे रखे हैं ना, सारे क्वेश्चन टाइप वाइज गिवन है। तरीके आप अपनी तरफ से रख लेना, जो आपको अच्छा लगता है तरीका, उस तरीके से निकाल लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लेना आप, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, एक बात और बता देता हूं, जब आप इस तरीके से क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हो ना, इसके बाद आपको कोई भी, आपको SSC लेवल की या कोई दूसरी किताब भी मिल जाती है, आपको तरीके आपको पता है, प्रैक्टिस किसी भी किताब से आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो किताब है ना, ये एक इंपॉर्टेंट किताब है, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके यहीं से करवाए जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट में लिख देना। जय भोलेनाथ।